हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय चैनल हेल्प कॉर्नर। लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट वीडियो। द वीडियो इज अबाउट अ स्टोरी, 3 डेज टू सी, रिटन बाय हेलेन केलर। हेलेन केलर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, स्टोरी को भी डिस्कस कर लेते हैं। स्टोरी क्या है? हेलेन केलर ने लिखी है 3 डेज टू सी, अपनी लाइफ को डिपिक्ट किया है, अपने ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी उसके कह रहे थे, उसकी अपनी लाइफ की स्टोरी है। बर्थ कब हुआ उसका? 1880 में। हेलेन केलर का बर्थ कब हुआ? 1880 में। और डेथ क्या है? 1968 में। डेफ भी है, ब्लाइंड भी है हेलेन केलर, लेकिन बाय बर्थ नहीं थी वो। 19 मंथ की जब थी तब उस बीमारी की वजह से वो डेफ भी हुई, ब्लाइंड भी हुई, डिसेबल हो गई। लेकिन वो बंदी ने अपने आप को प्रूव करके दिखाया। राइटर है, एक्टिविस्ट है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी 1902 में, द स्टोरी ऑफ माय लाइफ। तो इस जो रीसेंट स्टोरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसकी, हेलेन केलर की, 3 डेज टू सी, मीन्स वो 3 दिन की ख्वाहिश करती है कि उसे 3 दिन के लिए अगर देखने की कुव्वत, देखने की शक्ति मिल जाए तो वो क्या क्या देखेगी, क्या क्या करेगी, कितना कुछ लाइफ को वो ऑब्जर्व कर सकती है 3 दिनों में। उसके मुताबिक जो देखने वाले हैं वो ज़िंदगी को अच्छे से नहीं देखते, जो देखने वाले हैं। जाहिर सी बात है, किसी जो चीज़ आसानी से मिल जाए हम उसकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते। हमें लाइफ आसानी से मिल गई, वी टेक इट जस्ट फॉर ग्रांटेड। हम कहते हैं बस ये हमेशा रहेगी, ख़त्म तो होनी नहीं है, बस ये जैसे कि हमारा अपना अख्तियार है, हमारी खुद की, जैसे कि हम हासिल की हुई चीज़ है, खुदा की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है, बहुत उसको अच्छे से खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, उसको अच्छे से इंजॉय करना चाहिए, उसको फॉर ग्रांटेड बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। एक बंदी डेफ है, ब्लाइंड है, वो सिर्फ 3 दिन की ख्वाहिश कर रही है कि 3 दिन में वो पूरी दुनिया को देख सकती है, ऑब्जर्व कर सकती है। उसके मुताबिक वो 3 दिन में सारा कुछ देख सकती है, जो देखने वाले हैं सारी ज़िंदगी गुजार लें वो फिर भी वो वही कुछ नहीं देख सकते। देखने वालों को अपने उस चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं है। वो चाहते, वो कहते हैं, वो टेक लाइफ फॉर ग्रांटेड, मैनी ऑफ अस टेक लाइफ फॉर ग्रांटेड। वी मस्ट बी थैंकफुल टू गॉड फॉर दीज ब्लेसिंग्स, मीन्स जो देखने की और सुनने की कुव्वत है इसके लिए हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए, हमारे अपने अख्तियार में कुछ भी नहीं है। तो देखो, वो बंदी के पास था भी सारा कुछ और फिर बाद में उसका चला गया, लेकिन फिर भी उसने उसको अपनी वीकनेस नहीं बनाया। उसने इतनी अच्छी राइटर बन गई यार, कोई मजाक तो नहीं है। उस बंदी की ख्वाहिश 3 दिन की है, वो चाहती है कि अगर उसको 3 दिन मिल जाए तो फर्स्ट डे ऑफ हर साइट, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हर साइट वो क्या करेगी? वो कहती है सबसे पहले वो अपने फ्रेंड्स से मिलेगी, और उसके जो टीचर है, जो उसकी एन सोलिवन मैसी, उसकी जो टीचर है वो बंदी, वो क्या है, टेडोमा, एक मींस एक टेक्निक है जिसके ज़रिए डेफ और ब्लाइंड बंदों को, स्पेशल पर्सन्स को तालीम दी जाती है कि किस तरह से किसी के लिप्स को और किसी की जा लाइन को टच करके, अपनी फिंगर से किसी के लिप्स और जा लाइन को टच करके उनकी, उनको समझा जा सकता है कि वो क्या बात करें। क्योंकि डेफ बंदे को क्या पता सामने वाला, डेफ के साथ साथ वो ब्लाइंड भी है, उसको क्या पता सामने वाला देख तो नहीं सकते कि सामने वाला बात क्या कर रहा है। तो वो सामने वाले के लिप्स और जा लाइन को फिंगर्स से टच करके किस तरह से उनकी बात को समझा जाए, यही कुछ सिखाती है एन सोलिवन मैसी, उसकी जो टीचर है हेलेन की लड़की। वो चाहती है कि अगर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हर साइट वो उसको मिलेगी, अपने फ्रेंड्स से मिलेगी, लाइफ को ऑब्जर्व करेगी, अपने क्लोज पर्सन्स को देखेगी कि किस तरह से वो सारा दिखते हैं, कैसे हैं, जो उसके जिन्होंने उसको संभाला, उसको हिम्मत दी, हर वक्त उसका साथ निभाया। वो छोटे छोटे बेबीज़ के फेसेस को देखना चाहती है, वो अपने डॉग्स को देखना चाहती है, अपने अपनी बुक्स जो सारी पढ़ चुकी है, जो लिख चुकी है, उन बुक्स को देखना चाहती है, अपने बुक्स के कलेक्शन को देखना चाहती है, अपने घर के दीवारों को देखना चाहती है, अपने रग्स को, सारा कुछ जो मीन्स अपने घर को अच्छे से देखना चाहती है, अपने फ्रेंड्स को देखना चाहती है, छोटे छोटे बेबीज़ को देखना चाहती है, यही से उसकी ख्वाहिश है। सारा दिन वो यही कुछ करना चाहती है, फिर नाइट टाइम में वो चाहती है कि वो किसी जंगल में जाकर नेचर को, नेचुरल ब्यूटी को ऑब्जर्व करे कि किस तरह से कुदरती खूबसूरती उसको सुकून देती है, वो नेचर को ऑब्जर्व करना चाहती है। नाइट टाइम में फिर वो अच्छे से स्लीप करना चाहती है। अगेन सेकेंड डे को, ऑन द सेकेंड डे ऑफ हर साइड वो चाहती है कि वो
म्यूज़ियम्स घूमे, म्यूज़ियम में सारा कुछ देखे। वो न्यूयॉर्क सिटी के म्यूज़ियम में जाना चाहती है, मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ आर्ट्स वहाँ जाना चाहती है कि वहाँ म्यूज़ियम्स में जो कुछ है उन चीज़ों को, उन हिस्टोरिकल चीज़ों को देखना चाहती है, आर्ट को देखना चाहती है। वो मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ आर्ट में जाना चाहती है, वहाँ सारी आर्ट्स को, सारी पेंटिंग्स को देखना चाहती है, उन चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहती है। नाइट, सेकेंड डे की नाइट वो एक थिएटर में स्पेंड करना चाहती है, वहाँ एक हॉरर मूवी, वो वहाँ मूवी देखना चाहती है, अपना टाइम थिएटर में स्पेंड करना चाहती है। अगेन थर्ड डे, ऑन द थर्ड डे ऑफ हर साइट शी वांट्स टू विजिट न्यूयॉर्क सिटी, द रोड्स एंड द बिजी रोड्स एंड पीपल वॉकिंग इन दिस बिजी रोड्स। मीन्स वो न्यूयॉर्क सिटी के मसरूफ़ तरीन गलियों में, मसरूफ़ तरीन सड़कों पर घूमना चाहती है, चलना फिरना चाहती है, लोगों को देखना चाहती है कि किस तरह से ज़िंदगी, मसरूफ़ कुन ज़िंदगी है न्यूयॉर्क सिटी की। वो लोगों की ज़िंदगी को, मसरूफ़ तरीन लाइफ स्टाइल को ऑब्ज़र्व करना चाहती है। अगेन फिर वो थर्ड डे की नाइट भी थिएटर में स्पेंड करना चाहती है, यही ओवरऑल उसकी ख्वाहिश है। इन 3 दिन में वो इतना कुछ चाहती है, वो कहती है कि 3 दिन में वो पूरी लाइफ को ऑब्ज़र्व कर सकती है। इतनी सी विश है उसकी। वो इस चीज़ से हमें सबक देती है कि एक बंदी जिसके पास बिल्कुल भी कुछ ना देखने के ना सुनने को कुछ नहीं है, उसकी इतनी ख्वाहिश है कि 3 दिन उसको मिल जाए, कि किस तरह से 3 दिन में वो पूरी लाइफ को ऑब्जर्व कर सकती है, सारा कुछ अच्छे से देख सकती है। एक बंदी और हमारे पास है, फिर भी हम कुछ सी चीज़ पर तवज्जो नहीं दे, बस अपनी अफरा तफरी में चले जा रहे हैं। कुछ भी वही बात है, देखने वाला अच्छे से देखता ही नहीं है। कहते हैं ना कि मैं अहले नज़र से भी ना मुतमईन हूँ, नज़र वाले अपने को कम देखते हैं। अजीज़ इस जहालत को क्या कोई समझे, जो दानिश के पर्दे में हम देखते हैं। मतलब अहले नज़र नहीं उस चीज़ को, मैं अहले नज़र से भी ना मुतमईन हूँ, नज़र वाले अपने को कम देखते हैं। हमारे पास जो चीज़ अच्छे से अवेलेबल हो, हम उस चीज़ की कदर नहीं समझते, उस चीज़ की कदर बिल्कुल नहीं समझते। अगर वो चीज़ हमसे छिन जाए तभी हमें उसकी वैल्यू का पता चलता है। तो उस बंदी ने हमें सबक दे दिया, किस तरह से वो डिसेबल होकर इतनी हिम्मत रखती है, इतनी पावर रखती है, अपने आप को प्रूव करके दिखाया। और हम सारा कुछ होने के बावजूद भी हम कुछ भी नहीं। आई ट्राइड माई बेस्ट टू कन्वे माई वर्ड्स इन अ ईजी वे। आई होप यू गाइज गॉट इट। दैट्स ऑल। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।